दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, 100 साल पहले कैसा दिखता होगा? अगर हम समय के पहियों को पीछे घुमाएं और सन 1924 में लखनऊ की सड़कों पर चलें, तो हमें कैसी दुनिया मिलेगी? क्या वो वही नज़ारे होंगे जो आज हम देखते हैं, या फिर एक बिल्कुल अलग दुनिया जहां हर चीज़ की अपनी ही अलग महक और पहचान थी? 100 साल पहले का लखनऊ एक ऐसा शहर था जहां इतिहास की धड़कनें आज भी महसूस की जा सकती थीं। नवाबी शासन खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा थी। उस समय लखनऊ न केवल एक सांस्कृतिक केंद्र था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में भी प्रसिद्ध था। यह वह समय था जब ब्रिटिश राज अपने अंतिम चरण में था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लहरें पूरे देश में फैल रही थीं। लखनऊ, जहां एक ओर नवाबों की शान और शौकत थी, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी सुलग रही थी। अगर आप 100 साल पहले की लखनऊ की गलियों में चलें, तो आपको सबसे पहले दिखेगा चौक। चौक जो आज भी उतना ही जीवंत है, उस समय के बाजार की धड़कन था। यहाँ के बाजार में आपको जरी के काम की दुकानों की चमक, रेशमी कपड़ों की रौनक और इत्र की महक मिलेगी। रूमी दरवाज़ा, जिसे लखनऊ का द्वार कहा जाता है, 100 साल पहले भी उतना ही विशाल और शानदार था। यह दरवाज़ा लखनऊ की पहचान था और नवाबी युग की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण था। लखनऊ की कला और संस्कृति की बात करें, तो 100 साल पहले का लखनऊ संगीत और नृत्य का गढ़ था। नवाबों के दरबारियों में मुजरा और कव्वालियों का दौर चलता था। ठुमरी, दादरा और गजलें लखनऊ की संगीत की पहचान थीं। उस समय के शायर और कवि जैसे मिर्ज़ा गालिब, अमीर मीनाई और अन्य उर्दू शायरों ने यहाँ की अदबी संस्कृति को समृद्ध किया। 100 साल पहले लखनऊ के आम लोग सादगी और शिष्टता का जीवन जीते थे। महिलाओं का पहनावा शरारा और चुनरी हुआ करता था और पुरुषों के पहनावे में शेरवानी और कुर्ता प्रमुख थे। ब्रिटिश शासन के दौरान लखनऊ एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। शहर में ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखती थी। अंग्रेजों ने यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाईं, जैसे कि विधान भवन और कैसर बाग। सन 1924 का लखनऊ स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का भी केंद्र बनता जा रहा था। यहाँ की सड़कों पर भी क्रांतिकारी गतिविधियों की आहट महसूस की जा सकती थी। लखनऊ की एक और खासियत थी यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय साथ साथ रहते थे और धार्मिक त्योहारों को मिलकर मनाते थे। ईद हो या होली, दिवाली हो या मुहर्रम, लखनऊ के लोग मिलजुल कर इन त्योहारों का जश्न मनाते थे। लखनऊ का इमामबाड़ा और हनुमान मंदिर उस समय के सांप्रदायिक सौहार्द के उदाहरण थे। लखनऊ का साहित्यिक इतिहास भी बहुत समृद्ध था। यहाँ उर्दू साहित्य का खास योगदान था। अमीर मीनाई, मिर्ज़ा दाबीर जैसे शायरों ने लखनऊ की अदबी संस्कृति को समृद्ध किया। इसके साथ ही 100 साल पहले का लखनऊ शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी था। यहाँ कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान थे जो आज भी अपना नाम बनाए हुए हैं। जब हम 100 साल पहले के लखनऊ की तुलना आज के लखनऊ से करते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। लखनऊ आज भी वही पुराना जादू बरकरार रखे हुए है, लेकिन उसकी रफ्तार तेज हो गई है। तो दोस्तों, ये था 100 साल पहले का लखनऊ और उसका रहन सहन। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।